दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले जस्ट लास्ट जो वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड किया था उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था भी अगर कोई फ्रेशर अकाउंटेंट पहली बार किसी कंपनी की टैक्स ऑडिट करवा रहा है तो उससे सीए क्या क्या क्वेश्चन करेगा और सीए के ऑफिस में जाने से पहले जो एक अकाउंटेंट की जिम्मेवारी बनती है जो 10 काम उसको अपने ऑफिस में ही करने होंगे सीए ऑफिस जाने से पहले क्यों करने होंगे, क्योंकि अगर वो काम सीए करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और हो सकता है सीए के पास इतना टाइम न हो। टैक्स ऑडिट जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2022 है, अब ये डेट आगे एक्सटेंड हो न हो ये बाद की बातें हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को में आपने बहुत सारे प्यार आप लोगों ने दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों के ये कमेंट भी आए थे कि आप हमें जो टैली सॉफ्टवेयर में या हमने किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो रिकॉर्ड तैयार करके रखा हुआ है उस रिकॉर्ड को हम एक्सेल में किस तरीके से तैयार करें। तो दोस्तों अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आप अपनी इस फील्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये मत समझना कि हमारा काम केवल टैली सॉफ्टवेयर के अंदर वाउचर एंट्री करने का है और उसके बाद हमने जो रिकॉर्ड है हमारा सीए के ऑफिस में दे देना है और उसके बाद सीए जाने सीए का काम जाने। लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि अगर आपने रिकॉर्ड टैली सॉफ्टवेयर में तैयार कर दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस रिकॉर्ड को प्रॉपर सही तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि सीए के ऑफिस में जबकि आपका सॉफ्टवेयर का जो डाटा जाएगा ना उस डाटा को सीए के ऑफिस के अंदर भी एक्सेल के अंदर ही मेंटेन किया जाएगा। तो अगर आप पहले से ही एक्सेल में मेंटेन करके सीए के ऑफिस में रिकॉर्ड को पहुँचवा दोगे तो आप लोगों की जो कैटेगरी है ना वो एज ए जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट लोग होते हैं ना उनकी कैटेगरी के अंदर आपकी काउंटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी आपको टैली में से कौन कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो एक्सेल में तैयार करके अगर आप सीए को दे देते हो तो आप वेल एंड गुड है, जिससे कि सीए का काम और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको जो हमने जस्ट लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था भी आपको अपने ऑफिस में सीए ऑफिस में जाने से पहले सीए के डाटा को सेंड करने से पहले आपको कौन कौन सी तैयारी अपने घर पर करके रखनी पड़ेगी इस वीडियो को आप जरूर देखना, तभी आप सारी बातें अच्छी तरीके से समझ पाओगे टैक्स ऑडिट के बारे में। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको जरूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके और आप अपनी प्रॉपर तैयारी अच्छी तरीके से कर सको ताकि सीए का काम और ज़्यादा ईजी आप लोग कर सको। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट और अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए और नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का जो हमारा डिस्कस और जो चैप्टर रहने वाला वो है जो हमने रिकॉर्ड टैली सॉफ्टवेयर में तैयार किया है उस रिकॉर्ड को जो सीए तैयार करके देगा, यानी कि एक अकाउंटेंट की जो जिम्मेवारी होती है भी वो सीए को कौन कौन सा रिकॉर्ड प्रॉपर सही तरीके से दे, जिसमें है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब इसका रिकॉर्ड आपको टैली सॉफ्टवेयर में से तैयार करके एक्सेल के अंदर फीडिंग करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो शुरुआत जो करनी होती है ना वो करनी होगी ट्रेडिंग अकाउंट से। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपको टैली सॉफ्टवेयर में कहाँ से मिलेगा, आपको आना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और आपको एल्ट F1 के साथ डिटेल है जो ओपन कर लेनी है, क्योंकि अब यहाँ पर आपने जो भी परचेज और सेल की जो एंट्री करी है ना वो आपके यहाँ पे इस ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। तो इसके अंदर आपको टोटल परचेज, टोटल आपकी सेल और जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है वो स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर अलग अलग मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास GST 3 की भी परचेज होती है, GST 5 की, 12 की, 18 की, 28 की, तो ये मेरी ट्रेडिंग होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अलग अलग मैंने ट्रेडिंग अकाउंट है जो क्रिएट कर लिए। अब ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहता है, जैसा कि हमने एक हेडिंग यहाँ पर दे दी भी GST 3 goods की जो ट्रेडिंग मैंने क्या करी है, इसके अंदर आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज आपने कितनी करी है, परचेज रिटर्न अगर आपकी है तो परचेज रिटर्न आपको लिखना पड़ेगा, कोई इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इस टैक्स फ्री ट्रेडिंग से रिलेटेड तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसके अलावा आपकी टोटल सेल कितनी है टैक्स फ्री गुड्स की और उसके बाद में टैक्स फ्री का आपका स्टॉक कितना बचा हुआ है, और इसके अलावा आपके पास कोई क्रेडिट नोट या फिर कोई डेबिट नोट है तो आप इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मेंशन कर सकते हो GST free goods ट्रेडिंग अकाउंट से
रिलेटेड है। जो अब जैसे कि मैंने यहाँ से इस लेज़र को यहाँ से सिलेक्ट किया परचेज 34,141 रुपये और 33 पैसे। तो अब ये जो मैंने अमाउंट यहाँ से जो ली है वो परचेज में से जीएसटी फ्री की जो परचेज है मैंने इस परचेज को यहाँ से उठाया 34,141 रुपये और 33 पैसे का। अब जैसे भी आप ट्रेडिंग अकाउंट जाओगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलोगे, तो आपको डाटा इस तरीके से दिखेगा। आप पूरा डिटेल के साथ देखना चाहते हो तो आपको एल्ट F1 प्रेस करना पड़ेगा, तो पूरा डाटा आपका खुल के आ जाएगी, परचेज सेल और स्टॉक की सारी जो डिटेल है। और इसी तरीके से जो मेरे पास टैक्स फ्री की जो सेल थी 56,700 रुपये की, तो ये मैंने 56,700 रुपये की यहाँ पर सेल को लिख दी है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है 12,466 रुपये 54 पैसे का, और ये जो स्टॉक मेरे पास यहाँ पर भी बचा हुआ है 12,466 रुपये और 54 पैसे का। तो यानी कि ये हमने टैली सॉफ्टवेयर ने क्या किया, एक तरीके का कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर दिया। और हमें अलग अलग 5, 12, 18, 28 का अलग अलग मेंटेन करना है। यानी कि अगर हम बात करें ग्रोस प्रॉफिट की, तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा सेल और स्टॉक है जो प्लस हो जाएगा, उसमें से हमारे जो भी एक्सपेंसेस है परचेज जब वो माइनस हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक है वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये मेरा 35,025 रुपये और 21 पैसे का प्रॉफिट आया है, ग्रोस प्रॉफिट है। ये कहाँ से आया है, जीएसटी फ्री गुड्स ट्रेडिंग करके, यानी कि जो भी मैंने टैक्स फ्री के गुड्स परचेज किए थे, सेल किए थे, और जो स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है उनकी ट्रेडिंग करके मेरे को ये प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर में आप देखोगे ना, तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको यहाँ पर ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मिलेगा। तो अब इस प्रॉफिट के अंदर आप आइडिया ये नहीं लगा सकते भी आपको टैक्स फ्री का इसके अंदर प्रॉफिट कितना ऐड है, जीएसटी 5% का कितना है, 12 का कितना है, 18 का कितना है, 28 का कितना है। तो यहाँ पर आपका कंसोलिडेटेड नेट ग्रॉस प्रॉफिट शो करेगा। और हमने यहाँ पर इसको और ज़्यादा डिटेल से समझने के लिए इसको अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग हमने तैयार कर दी। इसी तरीके से सेम हमने जीएसटी 5% की ट्रेडिंग का एक लेज़र, हमने ट्रेडिंग अकाउंट का एक डिटेल तैयार कर ली, जिसके अंदर मेरी 15,126 रुपये 69 पैसे की जो मेरी परचेज है वो मैंने यहाँ से उठा ली है, 15,126 रुपये 69 की। इसी तरीके से 5% की सेल मैंने यहाँ से उठा ली है, और जो 5% का जो स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है उसको मैंने यहाँ से उठा लिया। तो यानी कि इस तरीके से मैंने ये सभी के ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से तैयार कर लिए। तो ये भी आपको तैयार करने, यानी कि ये सारा काम एज ए अकाउंटेंट की ही जिम्मेवारी बनती है भी वो एक्सेल के अंदर सही तरीके से डाटा तैयार करके सीए के ऑफिस में भेज दे, ताकि सीए का टाइम उतना बच जाए और आपकी जो ऑडिट है वो भी प्रॉपर सही तरीके से हो जाए। क्योंकि जल्दबाजी के अंदर हो सकता है सीए से भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो उसकी वजह से अगर आप ये सारा डाटा तैयार करके दे दोगे तो सीए को कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये सारा का सारा ट्रेडिंग काउंट कर लिया, और लास्ट के अंदर हमने एक तरीके का ये कंसोलिडेटेड भी तैयार कर लिया। कंसोलिडेटेड का मतलब ये जो टोटल हमारी परचेज, टोटल सेल और टोटल स्टॉक हमने यहाँ से काउंट कर लिया, और इसका प्रॉफिट हमारा मैच हो जाएगा। अभी अगर आप कंसोलिडेटेड तैयार कर लोगे ना, अब इससे आपका फ़ायदा ये रहेगा भी अगर मान लीजिए अगर आप कोई गलती आपसे परचेज के रिकॉर्ड में या सेल के रिकॉर्ड में या कोई स्टॉक के रिकॉर्ड लिखने में गलती हो जाएगी, तो आपके इस कंसोलिडेटेड के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। तो जब भी आप अपनी इस बुक्स के साथ मैच करोगे तो आपका इसका प्रॉफिट, परचेज, सेल, इस डाटा के अंदर कोई नहीं, कोई डाटा मिसमैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कुछ चेंजिंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक अमाउंट है मेरे पास परचेज की 28 पर, इसी को हम चेंज करके देख लेते हैं। यानी कि हालांकि ये मेरे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अब इसके अंदर हम मान लीजिए गलती से हमने क्या किया, 21,329 है और हमने इसको कर दिया यहाँ से 29 की जगह 92, यानी कि हमारे से एक तरीके की ये क्लेरिकल मिस्टेक होगी। अब ये क्लेरिकल लिखते वक्त हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो काम करेगा गलती होगी। लेकिन अब जब भी हम प्रॉफिट को देखेंगे तो हमारा एक्सेल के अंदर प्रॉफिट आ रहा है 151,708 रुपये और 76 पैसे का। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में आएगा 151,771 रुपये 76 पैसे का। तो यानी कि प्रॉफिट में फ़र्क आ गया। अब प्रॉफिट में फ़र्क आने का डिफरेंस आपको अब चेक करना पड़ेगा भी अब आपका प्रॉफिट परचेज के डाटा की वजह से आया है, शेयर की डाटा की वजह से आया है, या फिर आपका स्टॉक की वजह से आया है। तो अगर हम परचेज के रिकॉर्ड को देखें तो परचेज हमारे पास आ रही है 115,929 रुपये 66 पैसे की। तो यहाँ देखें तो 115,992 रुपये 66 पैसे की। तो यहाँ की सबसे पहले तो हमें यहीं से पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेल को भी मैच कर लेते हैं, जैसे 217,131, तो यहाँ पर भी 217,131 है, 50,570.42 का, 50,570.42 का, यानी कि ये स्टॉक। अब ये जो हमने हाथ से नहीं लिखा हुआ डाटा, ये डाटा हमने जो भी ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किए थे, पांचों के पांचों ट्रेडिंग अकाउंट, उन सभी का सेल का काउंट ये किया हुआ है, और काउंट हमें यहाँ से पता चल जाएगा भी हमने ये काउंटिंग यहाँ से करी हुई है। ये हमारा एक्सेल बार में, यानी कि
D49, D38, D28, D18 और D7 का, यानी कि सभी का पांचों का ये टोटल यहाँ पर आ रहा है। तो उसके बाद हमें पता चला भी हमारा ये डाटा परचेज का मिसमैच है, तो जो भी हमारा मिसमैच रहेगा उसको हम वापस सही कर देंगे। तो सही करेंगे, अब आप देखोगे आपका जो प्रॉफिट आ रहा है 151,771.76 का और 151,771.76, यानी कि इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट मैच हो जाएगा। अगर कोई बाय द वे किसी कारण मिस्टेक से गलती हो गई है तो हम सुधार सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको क्या करना होगा, अभी जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी जो इनकम है और जो भी आपके एक्सपेंसेस की डिटेल है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तैयार करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला जो आपका मेन ग्रॉस प्रॉफिट, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको कहाँ से आएगा, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका कंसोलिडेटेड इकट्ठा जो पूरा बिजनेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा, और इसको आपको यहाँ से लिंक कर देना है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ में। तो अभी आपको लिंक करने का तरीका, आपको सिंपल सा तरीका आपको मैं बता दूं, आपको ये जो अमाउंट है ना हाथ से नहीं लिखनी है बिल्कुल भी, अगर हाथ से लिख दिया तो ये मिस्टेक हो जाएगा, आपको डाटा को लिंक करना आना चाहिए। अब लिंक करने का सीधा सा तरीका यही है, अब मान लीजिए हमने इक्वल का निशान दबाया और यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड आना चाहिए, यानी कि जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के शीट के अंदर ये जो अमाउंट है ना ये अमाउंट वहाँ पर जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर आके इस अमाउंट के ऊपर क्लिक कर दो और सिंपल एंटर प्रेस कर दो, तो अब यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड चेंज होगा ना ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, इसके आगे कुछ हम 1-1 दो बार और लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे हमने चेंज किया तो हमारा स्टॉक चेंज हो गया, स्टॉक चेंज हुआ तो हमारा प्रॉफिट चेंज हो गया। अब आपने लिंक किया ना तो ये डाटा भी आप देखोगे ना तो ये रिकॉर्ड आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो अब आपको ये सारी जगह बारी बारी हाथ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक लिंक है तो सारा डाटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो वापस हम इसको सही कर देंगे, तो सही कर दिया तो ये जो अमाउंट है और ये अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। और इसी तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर में से देख जो भी आपकी एक्सपेंसेस की डिटेल है हेडवाइज वो सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद बारी आएगी आपके कैपिटल अकाउंट की। अब कैपिटल अकाउंट आपको कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट में से, एल्टा वन कीजिए। अब जैसा कि कैपिटल है और ये 50,000 रुपये की यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट हमने करी थी, तो ये 50,000 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट लगा दिया। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट जो हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट है वो ये नेट प्रॉफिट ये वाला ये हमारा नेट प्रॉफिट कैपिटल में आ जाएगा। और उसके बाद में जो आपके कैपिटल की जो पर्सनली एक्सपेंसेस है, ड्राइंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी है वो आप यहाँ से डेबिट साइड के अंदर लिख के इसको माइनस कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं इसको AGTG रहने देता हूँ। जो AGTG मेरा बैलेंस है तो वो 186,771 आ जाएगा। उसके बाद बारी आएगी बैलेंस शीट की, तो ये बैलेंस शीट आ जाएगी। और इस बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल का जो हमारा बैलेंस रहेगा, अब इस ये जो बैलेंस कौन सा आएगा, ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस बचने वाला है ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। अब इसको भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ से इसको लिंक किया हुआ है, न कि ये जो फिगर्स है हाथ से लिखी हुई है। तो ये यहाँ से ये वाला जो रिकॉर्ड है ना ये इस सेल से, इस शीट के इस सेल से लिंक होके यहाँ पर आ रहा है। अगर इस सेल के ऊपर कोई डाटा चेंज होगा तो यहाँ पर भी ये रिकॉर्ड है जो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आपका कोई बैंक से कोई लोन है तो आप यहाँ से देख सकते हो, नहीं है तो आप देख सकते हो अनसिक्योर्ड लोन है तो आप अनसिक्योर्ड लोन का, आपको यहाँ पर अमाउंट को देख के नहीं डालना, अनसिक्योर्ड लोन की पार्टी का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि XYZ है तो आपको यहाँ पर अगर सिंगल नाम है तो आप बैलेंस शीट में लिख सकते हो, अदरवाइज आपको अलग से शेड्यूल है जो तैयार करने पड़ेंगे। इसी तरीके से 9,000, इसी तरीके से सैंडरी क्रेडिटर आपका कितना है, तो सैंडरी क्रेडिटर अब आपको यहाँ पर तो ये चीज़ दिखेगी 92,092.92 का है, लेकिन अब इसके अंदर क्रेडिटर के है कितने, पार्टी वाइज कितने हैं, तो वो पार्टी वाइज आपको लिस्ट है जो तैयार करनी पड़ेगी। अब एक दो नाम है तो आप इस बैलेंस शीट के साथ भी यहाँ पर दे सकते हो, अगर आपकी लिस्ट ज़्यादा है तो आपको अलग से यहाँ से सीट न्यू सीट पर क्लिक करके प्लस के निशान पर और आप सैंडरी क्रेडिटर की एक लिस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, और उस लिस्ट का जो टोटल आएगा उस टोटल को आपको यहाँ पर लिंक कर देना है। तो जैसा कि आगे 92,092.92। और इसी तरीके से अगर आपके पास अदर लाइबिलिटीज़ है, जैसे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे क्या हमारी GST की भी लाइबिलिटी बनती है, तो ये जो GST अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा एक तो रहने वाला CGST का और एक रहने वाला है SGST टैक्स का, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी बनती है। तो इसको भी हम यहाँ से 6,623.75 की, तो ये हमारी अमाउंट हमने डाल दी। और इस तरीके से ये फिक्स्ड एसेट
जो भी आपके पास फिक्स असेट है, जैसा कि मेरे पास फर्नीचर है, तो अगर आपके पास एक दो है तो आप यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर भी एक अलग से शेड्यूल है जो तैयार करना पड़ेगा। तो मैं एक बार केवल यहाँ पर अमाउंट को ही यहाँ पर लिख रहा हूँ 5500 रुपये की। सैंडी डेप्टर, इसी तरीके से आपको सैंडी डेप्टर्स की लिस्ट आपको प्रॉपर पता होना चाहिए भी किस किस कस्टमर से कितने कितने अमाउंट आपको लेनी है, तो वो भी आप अलग से सीट पे यहाँ पर डिटेल है जो एक सीट और क्रिएट कर लीजिए, उसके ऊपर आप नाम और उसकी अमाउंट दोनों लिख के आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो जैसे एक बार मैं फिक्स अमाउंट यहाँ पर लिख देता हूँ 224751। आपको AGTs नहीं लिखना जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको प्रॉपर शेड्यूल के साथ लिखना होगा। आप शेड्यूल आप समझ गए होंगे भी, आपको यहाँ पर सबसे पहले पार्टी का नाम, ठीक है, और आगे वाले कॉलम के अंदर उसकी अमाउंट। तो जैसा कि आपने यहाँ पर नाम लिख दिया और किसे कितना लेना, आप यहाँ पर ऊपर हेडिंग में डाल सकते हो भी लिस्ट ऑफ सैंडरी डेप्टर्स, ताकि पता चल जाए, क्योंकि सारे नाम बैलेंस शीट के अंदर आना पॉसिबल नहीं है, तो आप लिस्ट वाइज आप यहाँ पर अलग से लिस्ट उसको हम अटैच कर देंगे। उसके बाद जो भी आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ ना, इस क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है ये फिगर वहाँ पर लेके जानी है, लेकिन हाथ से नहीं लिखनी, लिंक करना है। अब लिंक करने का तरीका, इक्वल का निशान दबाइए, ट्रेडिंग अकाउंट पर आ जाइए और जो फिगर आपको लिखना है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की ये अमाउंट बैलेंस शीट में जानी चाहिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब लिंक का फायदा ये रहेगा, यहाँ पर अगर कोई डाटा चेंज होता है तो आपका बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक डाटा जो चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई कैश नहीं है, जैसे 14900 आपका कैश बैलेंस है, और इसी तरीके से आपका बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कितने बैंक्स का ये बैलेंस आपको शो कर रहा है। जैसे फिलहाल SBI बैंक का 1000 है, तो ये 9000 रुपये मेरा ये बैलेंस आ जाएगा। अब इस तरीके से आपको ये जो अमाउंट है आपकी 9000 रुपये की, 14000 आपका जो बैलेंस है, वो सारा का सारा डाटा यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब उसके बाद के अंदर आप जब इसकी हम बैलेंस शीट का टोटल हम देखेंगे, तो आपका जो टोटल है वो इक्वल आएगा 304,622.18। और यहाँ पर इसकी बुक्स की बात करें, अब इस टोटल पे आप मत जाइएगा, ये टोटल आपका चेंज हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है भी ये जो टेली सॉफ्टवेयर का जो टोटल है ये टोटल आपके इसके साथ मैच करे। तो ये आपका डाटा तभी मैच करेगा अगर आपका डाटा हेडवाइज बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से आपने मेंटेन किया हुआ है, तो आपका ये टोटल मैच करेगा, अदरवाइज ये प्लस माइनस हो सकता है। डेबिटर का बैलेंस कोई क्रेडिटर में हो सकता है, क्रेडिटर का बैलेंस कोई डेबिट हो सकता है, तो उसकी वजह से ये डिफरेंस हो सकता है। तो आपको अगर ये बैलेंस आपको इसके साथ जैसे अभी ये हमारा मैच हुआ है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर मैच करना है, तो आपको हेड वाइज सारा डाटा, यानी कि जो आपका बैलेंस लायबिलिटी साइड का वो लायबिलिटीज में ही दिखना चाहिए, और जो एसेट साइड का जो बैलेंस है वो एसेट साइड में ही दिखना चाहिए। ऐसा ना हो भी बैलेंस आपका हो तो सैंडी डेबिटर, लेकिन बैलेंस उसका रहो क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट का आ रहा तो उसका हेड आपको क्रेडिटर के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका एक्सेल की बैलेंस शीट का टोटल और आपके सॉफ्टवेयर की बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से भी जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। तो वीडियो का अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको आप जरूर शेयर कीजिए, और इसके अलावा फिर भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट की भी रिप्लाई देने की। और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको इस चैनल पर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।